नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शुक्ला, कक्षा दशम, विषय हिंदी, गद्य साहित्य का इतिहास आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में हमने आप सबको गद्य और पद्य में अंतर तथा भारतेंदु युग से पूर्व की गद्य रचनाओं के बारे में बताया था। आज हम गद्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतेंदु से पहले का जो युग था, जिन्होंने जिसके लेखकों ने हिंदी गद्य साहित्य को विकास के पथ पर अग्रसर किया, नवजागरण काल से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जाने लगी। हिंदी के साहित्यकारों ने गद्य साहित्य के इतिहास को कुल 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है पूर्व भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक मानी जाती है। दूसरा जो युग था वो भारतेंदु युग, यह 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। तीसरा जो युग था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग, ये 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। चौथा युग है शुक्ल युग, इसी को हम छायावाद के नाम से भी जानते हैं, ये 1920 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। पांचवा शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, ये 1938 से 1947 तक माना जाता है। छठवां है स्वातंत्रोत्तर युग, ये 1947 से अब तक माना जाता है। खड़ी बोली गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उदय हुआ। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने समकालीन लेखकों का एक शिष्टमंडल तैयार किया। उनको मासांत में एक बार एक जगह पर एकत्रित करते थे और खड़ी बोली में रचना करने के लिए प्रेरित करते थे। अब प्रश्न एक बनता है कि खड़ी बोली गद्य का जनक किसे कहा जाता है। खड़ी बोली गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को खड़ी बोली का जनक क्यों कहा जाता है? उन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया कि उनको खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाने लगा? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा के माध्यम से अपने समकालीन लेखकों की रचनाओं को उस पत्रिका में प्रकाशित करते थे और उनकी जो रचनाएं आती थी उनके पास, उसमें तमाम अशुद्धियां रहती थी, जिनको पत्रों के माध्यम से उन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए उनको पत्र लिख करके शुद्ध खड़ी बोली में रचना करने की प्रेरणा देते थे। इस शिष्टमंडल के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में खड़ी बोली में लिखने के लिए लेखकों को प्रेरित किया, इसलिए उन्हें खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और गद्य की अनेक विधाओं में लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं इन विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। तत्कालीन
जो समाज था लेखकों का, उन लेखकों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रेरणा लेकर हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग में कई गद्य विधाओं का विकास हुआ। इनके पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी गद्य साहित्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और इनके अधूरे कार्य को संपन्न किया।